हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पनीर हांडी मखनी। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है और बहुत आसानी से बन भी जाती है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़ चैनल को। हमने यहाँ 250 ग्राम पनीर लिया है, देखिए ताज़ा पनीर है। हमने इस तरह के इस शेप में हमने पनीर की कटिंग की है, ट्रिंगल शेप दिया है पनीर को। आप कोई सा शेप दे सकते हैं, नहीं तो चकोर इस भाग में भी काट सकते हैं। ग्रेवी के लिए हमने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, इसकी हमें ग्रेवी तैयार करनी है। फ्रेंड्स, हमने एक पैन में 1 टीस्पून ऑयल ऐड किया है। हमने कुछ वेजिटेबल ली थी, 1 कैप्सिकम, 1 टमाटो, इसको हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है। देखिए फ्रेंड्स, एक शिमला मिर्च, एक टमाटर लिया था हमने, इस तरह से कटिंग करके हमें इसको फ्राई करना है जिससे हमारे वेजिटेबल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और 2 मिनट तक हमें इसको कुक करना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखना है, नहीं तो अच्छी तरह से कुक नहीं होंगी। शिमला मिर्च और टमाटर, 3 हमने हरी मिर्च इस तरह से कटिंग करके रखी थी, वो ऐड कर देंगे और 2 मिनट तक ढककर पकाएंगे इसको जिससे हमारी वेजिटेबल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट हो गए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। हमारी वेजिटेबल बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट और नरम हो गई है। हमने एक अदरक लहसुन का टुकड़ा इस तरह से बारीक कटिंग कर लिया था, वो ऐड कर देते हैं और 2 मिनट पका कर उसको बाहर निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी वेजिटेबल बहुत ही अच्छे से हो गई है। अब इसको हमने बाहर निकाल लेना है। फ्रेंड्स, हमने 1 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड किया है इसमें। खड़े मसाले ऐड करेंगे, 2 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 टीस्पून ज़ीरा और जो हमने प्याज की ग्रेवी बना कर रखी थी वो ऐड कर देनी है। ग्रेवी ऐड करके हमें 2 मिनट तक कुक करना है जिससे हमारी ग्रेवी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाए और प्याज का कच्चापन दूर हो जाए। 2 मिनट कुक करने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून भरकर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, यानी अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें। देखिए फ्रेंड्स, वो ऐड कर दिया है हमने इसमें। अच्छी तरह से पकाएंगे इसको। 1 टीस्पून हम इसमें पनीर मसाला ऐड करेंगे। अगर आपके पास पनीर मसाला नहीं है तो आप खड़े मसाले सोते करके भी ऐड कर सकते हैं, यानी 3 लाल मिर्च बड़ी वाली और 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 4-5 लौंग और उनको सोते करके भी आप पनीर मसाला बना सकते हैं घर पर ही। 1 टीस्पून फ्रेंड्स हमने से दखनी मिर्च पाउडर ऐड किया है। 1 कप भर के हमने गाढ़ा दही ऐड किया है। अच्छी तरह इसको मिलाएंगे और ग्रेवी बनाएंगे बढ़िया करके। जितनी ग्रेवी हम पकाएंगे उतनी ही ग्रेवी मज़ेदार बनेगी। फ्रेंड्स, 1 टीस्पून हमने इसमें ताज़ी क्रीम ऐड की है। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप मार्केट से अमूल की क्रीम मंगा कर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से पकाएंगे इसको। नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे इसमें। नमक हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया है। अच्छी तरह से पकाएंगे इसको। ग्रेवी को हमें बहुत ही अच्छी तरह से पकाना है, बिल्कुल मीडियम गैस फ्लेम पर, जिससे हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छी तैयार होगी। फ्रेंड्स, हमने यहाँ 10 से 12 काजू लिए हैं, इसका हमें पेस्ट बनाना है। देखिए ग्रेवी हमारी बन रही है, अब हम इसमें काजू का पेस्ट ऐड करेंगे। जो हमने काजू का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक ग्रेवी हमारी अच्छी तरह से भुन न जाए, सारा का सारा ऑयल न छोड़ दे जब तक हम पकाएंगे इसको। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ग्रेवी लगभग बनकर तैयार हो गई है। अच्छी तरह से चलाएंगे इसको। देखिए ग्रेवी ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। फ्रेंड्स, हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनी है। अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। पनीर के पीसेज ऐड करने हैं हम इसमें। देखिए फ्रेंड्स, हमने पनीर के पीसेज ऐड कर दिए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे पनीर को ग्रेवी में और 2 मिनट तक हम कुक करेंगे पनीर को ग्रेवी के साथ। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
देखिए 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें वेजिटेबल ऐड करेंगे जो हमने वेजिटेबल फ्राई करके रखी थी। अच्छी तरह से चलाएंगे इसको। फ्रेंड्स बहुत ही लाजवाब रेसिपी बनकर तैयार हुई है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1 कप हम इसमें दूध ऐड करेंगे जिससे हमारी ग्रेवी थोड़ी पतली हो जाए और खाने में फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है दूध ऐड करने से। आप चाहे तो पानी भी ऐड कर सकते हैं लेकिन दूध से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। देखिए फ्रेंड्स हमारा पनीर हांडी मखनी बनकर तैयार है, बहुत ही लाजवाब बना है, ज़बरदस्त, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहे तो फ्रेंड्स इसमें कस्तूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मैंने नहीं की, आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं, ऑप्शनल है। हरा धनिया ज़रूर ऐड कीजिएगा, हरा धनिया से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। देखिए फ्रेंड्स हमारा पनीर मखनी हांडी बनकर तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट करके बताइए कैसा बना है पनीर हांडी। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ शिबू किचन को फॉलो कीजिए फ्रेंड्स।